हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिया आप सबका अपने चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बहुत ही इजी तरीके से दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करना सिखाऊंगी, जिससे आप झटपट इनका यूज़ करना सीख जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। दिस एंड दैट, this and that are always used for singular object or thing. this or that हमेशा एक वचन के लिए use होते हैं, means जो वस्तु या चीज़ एक हो उनके लिए हम this or that का use करते हैं। this or that के साथ हमेशा is का use होता है। pass है तो this का use, दूर है तो that का use, means near है तो this का use, far है तो that का use. For example, this is a book, यह एक किताब है। इस picture में book पास में है, तो हम यहाँ this का use करेंगे, that is a book, वह एक किताब है। इस picture में book दूर है, तो हम यहाँ that का use करेंगे। This is a balloon, यह एक गुब्बारा है। इस पिक्चर में बलून पास में है, तो हम यहाँ दिस का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ बलून, वह एक गुब्बारा है। इस पिक्चर में बलून दूर है, तो हम यहाँ दैट का यूज़ करेंगे। दीज एंड दोज, दीज एंड दोज आर ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। दीज और दोज हमेशा बहुवचन के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स जो वस्तु या चीज़ एक से अधिक हो उनके लिए हम दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं। दीज एंड दोज के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। पास है तो दीज का यूज़, दूर है तो दोज का यूज़, मीन्स नियर है तो दीज का यूज़, फार है तो दोज का यूज़। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। इस पिक्चर में बुक्स पास में है, तो हम यहाँ दीज का यूज़ करेंगे, दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। इस पिक्चर में बुक्स दूर हैं, तो हम यहाँ दोज का यूज़ करेंगे। दीज आर बलून्स, ये गुब्बारे हैं। इस पिक्चर में बलून्स पास में हैं, तो हम यहाँ दीज का यूज़ करेंगे, दोज आर बलून्स, वो गुब्बारे हैं। इस पिक्चर में बलून्स दूर हैं, तो हम यहाँ दोज का यूज़ करेंगे। दिस एंड दीज, दिस इज़ अ मैंगो, इस पिक्चर में मैंगो पास में है और सिंगुलर है, तो हम यहाँ दिस का यूज़ करेंगे, दीज आर मैंगोज, इस पिक्चर में मैंगोज पास में हैं और प्लूरल हैं, तो दीज का यूज़ करेंगे। That and those, that is a mango, इस पिक्चर में मैंगो दूर है और सिंगुलर है, तो हम यहाँ that का यूज़ करेंगे, those are mangoes, इस पिक्चर में mangoes दूर हैं और प्लूरल हैं, तो हम यहाँ those का यूज़ करेंगे। चलिए अब समराइज करते हैं। सिंगुलर एक वचन, this and that, प्लूरल बहुवचन, दीज एंड दोज। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। दिस मीन्स यह, दीज मीन्स यह ये, दैट मीन्स वह, दोज मीन्स वह वो वे। यूजेस, नियर के लिए दिस एंड दीज का यूज करते हैं, फार के लिए दैट एंड दोज का यूज़ करते हैं। तो देखा बच्चों, हमने कितने अच्छे तरीके से दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।